हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेंटिमेंटल कॉमेडी के बारे में डिस्कशन करेंगे। वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। 1800 के दशक में ब्रिटेन में नाटक का एक नया रूप उभरा, जिसे 18th सेंचुरी के सेंटिमेंटल कॉमेडी के रूप में जाना जाता है। सेंटिमेंटल कॉमेडी वास्तव में कॉमेडी ऑफ मैनर्स के खिलाफ एक प्रतिक्रिया था, जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान व्यवहार में रहा था। रिचर्ड स्टील, रिचर्ड ब्रिंसली, बटलर, शेरिडन और गोल्डस्मिथ जैसे लोकप्रिय नाटककारों ने इस एज के नीरस और सेंटिमेंटल एटमॉस्फेयर में नई ताजगी लाने की कोशिश किया, लेकिन यह बहुत उच्च योग्यताओं के प्लेस के ग्रोथ में मदद नहीं दे सका। 18वीं शताब्दी के ड्रामा को राजशाही संरक्षण प्राप्त नहीं हो सका, जिस प्रकार 1660 से 1710 तक चार्ल्स द सेकेंड के नेतृत्व में रेस्टोरेशन ड्रामा में रहा था। रेस्टोरेशन कॉमेडी की प्रतिक्रिया में सेंटिमेंटल कॉमेडी प्रकट हुआ। यह दर्शकों में फीलिंग और इमोशन को क्रिएट करने के लिए ड्रामा में सेंटिमेंट्स व्यक्त करने की कोशिश किया। विषय आम जीवन से लिया गया। गुड सेंटिमेंटल कॉमेडी का हमेशा एक मानवतावादी दृष्टिकोण था। राइटर्स मध्यम वर्ग के जीवन के कैरेक्टर्स को प्रस्तुत किया, जो गुणों और उनके साथ बुराई के संकेत के बिना चारित्रिक किया जाता था। सेंटिमेंटल स्कूल के कॉमेडी राइटर्स सचमुच में नैतिकवादी थे और उनका उद्देश्य अपने प्लेज के माध्यम से नैतिक पाठों को सिखाना था। अतः सेंटिमेंटल कॉमेडी से हंसी और मजाक बिल्कुल हटा दिया गया और इसके जगह पर दुख और दयनीय स्थितियों को प्रस्तुत किया गया। कॉली सीवर प्रथम नाटककारों में से एक थे जिन्होंने सेंटिमेंटल कॉमेडी को लिखा। इनका जीवन काल 1671 से 1757 तक था। वे एक एक्टर, ड्रामाटिस्ट और पोएट थे। उनकी कविताएं बेकार थी, लेकिन उनका ड्रामा बहुत लोकप्रिय था। एलेक्जेंडर पोप ने अपनी रचना डंसियार्ड में कॉली सीवर का मजाक उड़ाया था। उनकी दो प्लेज 1696 में प्रकाशित लव्स लास्ट शिफ्ट और 1728 में प्रकाशित द प्रोवोक्ड हस्बैंड मोरलिटी प्लेज का उदाहरण है। रिचर्ड स्टील सेंटिमेंटल कॉमेडी के दूसरे नाटककार थे। इनका जीवन काल 1672 से 1729 तक था। वे कॉली सीवर की अपेक्षा बेहतर नाटककार थे। वे जीवन के कुछ निश्चित गुणों और सिद्धांतों में विश्वास करते थे। वे शादीशुदा जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और मानव संबंध की शुद्धता को पसंद करते थे। उन्होंने 1701 में प्रकाशित द फंडल, 1703 में प्रकाशित द लाइंग लवर, 1705 में प्रकाशित द टेंडर हस्बैंड और 1714 में प्रकाशित द कंसस लवर्स ये चार कॉमेडीज को लिखा। उनकी सभी प्लेज ट्रू सेंटिमेंटल कॉमेडीज थी। ओलिवर गोल्डस्मिथ इस पीरियड के एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और निबंधकार थे। उन्होंने 1768 में प्रकाशित कॉमेडी द गुड नेचर्ड मैन से सेंटिमेंटलिज्म पर प्रहार किया। यद्यपि उन्होंने सेंटिमेंटलिज्म पर प्रहार किया, लेकिन वे 1773 में सी स्टूप्स टू कनकर लिखा, जो सेंटिमेंटल कॉमेडी में से एक माना जाता है। इसके बाद आरवी शेरिडन का आगमन हुआ। शेरिडन का जीवन काल 1751 से 1816 तक था। वे एक राजनेता, सांसद और नाटककार थे। वे बहुत अधिक गुणों वाले कॉमेडीज लिखे। उनकी तीन कॉमेडीज 1775 में प्रकाशित द राइवल, 1777 में प्रकाशित द स्कूल फॉर स्कैंडल और 1779 में प्रकाशित द क्रिटिक स्टेज पर बहुत लोकप्रिय हुआ। वे बेन जॉनसन से प्रेरणा प्राप्त किया। उनकी रचना स्कूल फॉर स्कैंडल एक उत्कृष्ट कॉमेडी ऑफ मैनर और षड्यंत्र था। शेरिडन अपने युग के कलंकपूर्ण समाज के सच्चे तस्वीरों को दर्शकों को दिया। उनकी दूसरी प्ले द राइवल सेंटिमेंटलिज्म का सबसे अच्छा ड्रामा है। इस युग के दूसरे महत्वपूर्ण नाटककार थे मिसेस सुसाना सेंट लीवर, जॉन केली, हक केली और रिचर्ड कम्बरलैंड।
मिसेस सुसाना सेंटलीवर अनेक कॉमेडी और फार्स लिखी। जॉन केली फ्रेंच सेंटिमेंटल ड्रामा की भावना को इंग्लैंड में लाया। रिचर्ड कम्बरलैंड सेंटिमेंटल कॉमेडी के सफल लेखक थे। इन्होंने लगभग 30 प्लेज लिखे जो ट्रेजडीज है। वे अपने प्लेज में नैतिक स्वर पर जोर देने में रुचि रखते थे। उनकी रचनाएं हैं द ब्रदर, द वेस्ट इंडियन, द फैशनेबल लवर इत्यादि। ये सभी रचनाएं सबसे अच्छी सेंटिमेंटल कॉमेडी है। इन ड्रामाटिस्ट का लक्ष्य प्रशंसनीय था, लेकिन उनका कार्यान्वयन खराब था। अतः सेंटिमेंटल कॉमेडी लगभग हाफ ए सेंचुरी तक बहुत लोकप्रिय फॉर्म रहा। इस प्रकार सेंटिमेंटल कॉमेडी इन इंग्लिश लिटरेचर समाप्त हुआ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल्सो लाइक कमेंट एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। विल सी यू नेक्स्ट।